हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम ये वाली फ्लैशलाइट देखने वाले हैं जो कि है ग्लो प्रो P20। इसका मॉडल नंबर है, पिंक फ्लैशलाइट है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके बारे में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग से शुरुआत कर लेते हैं। ये रहा कुछ इसका बॉक्स, जैसा कि आप देख सकते हो ग्लो प्रो LED पिंक फ्लैशलाइट लिखा हुआ है, P20 इसका मॉडल नंबर है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसमें तीन मोड्स आते हैं, एल्यूमिनियम बिल्ट पूरी बॉडी है। मैं आप लोगों को खोल के बताऊंगा, अच्छे से इसको टेस्ट करके भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को एकदम परफेक्ट जजमेंट मिल जाए कि आपके लिए कितनी परफेक्ट है। और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है दोस्तों। 350 रुपये इसकी रेट चलती रहती है, कम बिल्कुल भी नहीं होती। 3 महीने की इसके ऊपर वारंटी मिल जाती है और ये 2 AAA बैटरी पे चलता है। बैटरी साथ में नहीं आती, आप लोगों को खरीदनी पड़ती है। कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन ये बैटरीज़ आपको मिल जाएगी, 10-12 रुपए की एक आएगी। बहुत ही बढ़िया बिल्ड के साथ आती है ये वॉच, पूरी एल्यूमिनियम बॉडी, एकदम मेटल की स्ट्रॉन्ग वाली। P20 लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर, ग्लो प्रो की है ये। ये स्मार्टलाइन इंडिया ब्रांड नाम से बिकता है ऑनलाइन अमेज़ॉन के ऊपर। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिज़ाइनदार है ये पेन फ्लैश वॉच। एक नज़र में तो आपको लगेगा कि ये कोई मार्कर है या पेन है, कुछ इस टाइप की थिकनेस में है ये। बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है। ये जो रबर का है, रबरिश टाइप का है दोस्तों। इसके साथ में बैटरीज नहीं आती, ये इसका मुझे कौन लगा, बैटरीज तो दे ही देनी चाहिए थी साथ में, मुझे लगा बेटर होता। देखो कुछ इस टाइप की इसमें LED लाइट दी गई है और 3 मोड्स आते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, इतने छोटे से ये लाइट के अंदर इतने सारे मोड्स देना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है दोस्तों। फुल मेटल बिल्ट और देखो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर आपको बस सेल इंसर्ट करने होते हैं, बैटरीज इंसर्ट करनी होती है और ये चल जाता। ये रिंग दी गई है, इसका गैस्केट और ये निकालना नहीं होता है, जो मैंने हल्का सा निकाल दिया, वापस लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देखो कुछ इस टाइप की एल्यूमिनियम बिल्ट मिलती है, एल्यूमिनियम की थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए रहने वाली है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2-5 साल चल जाएगी, 3 महीने की। लेकिन इसके ऊपर वारंटी दी गई है जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कम है, ज़्यादा दे देते तो बेटर होता। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मुझे लगता है 2-4 साल की दे देनी चाहिए थी। हाउएवर इट्स टू मच ऑन द प्राइस, बट ठीक है। और इसकी जो बैटरीज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 घंटे के बीच में चलने वाली है, डिपेंड्स आप कौन सा मोड यूज़ करते हो दोस्तों। ये देखो ये इसका बटन है, कुछ इस टाइप का क्लिक क्लिक वाला बटन दिया गया है जो कि नॉर्मल से पेन में होता है। और पहली नज़र में तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्लैश लाइट है, बट एक्चुअल में ये फ्लैश लाइट आप देख सकते हो, हल्का सा कलर निकला हुआ, एकदम हल्का सा, उससे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है फिनिशिंग जो भी दी गई है, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर है दोस्तों। अब टेस्टिंग करता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ इसका फर्स्ट वाला मोड। ये देखो कुछ इतनी लाइट देता है ये, अप्रॉक्सीमेटली 4 फुट पीछे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ इतनी रोशनी दे रहा है और ये आराम से एकदम आगे तक लाइट चली जाती है दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है तो आप इसे कभी भी कैसे भी कैरी कर सकते हो। अब इसका दूसरा वाला मोड बताता हूँ जो हल्की सी लाइट कम देगा। अब जैसे इसका बटन चेंज करोगे वैसे ही आपको मोड्स चेंज होते जाएंगे। देखो ये थोड़ी कम लाइट दे रहा है, कुछ इस टाइप की रोशनी आपको मिल जाती है दोस्तों, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को मेरा फेवरेट मोड बताता हूँ जो कि है फ्लैश वाला। ये देखो इतनी छोटी सी लाइट में 3 मोड्स आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है दोस्तों। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट मोड है। अब आप डिसाइड करो आपको इसको लेना है या नहीं लेना है। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट करके बाय कर सकते हो। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी होगा मुझे नीचे कमेंट करके बता देना दोस्तों। और सेफ्टी इन्फॉर्मेशन में इसमें दिया गया है कि इसकी जो बीम है डायरेक्टली आँखों में पॉइंट नहीं करनी चाहिए, टेम्प्रेरी ब्लाइंडनेस दे सकता है या फिर विजन को भी डैमेज करता है, ये कोई टॉय नहीं है दोस्तों। दोस्तों इस टॉर्च से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन होगा मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को एकदम फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और आप लोगों के दिमाग में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप लोग चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।